उसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने लास्ट टॉपिक देख रहे थे उसी से रिलेटेड है कि जीएसटी क्रेडिट किसे कहते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी एक बार जिक्र करा था इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है जितना भी आपने परचेज करा उस पर जो जीएसटी पे करा था उसको ना वापिस ले लो। तो अभी देख रहे थे ना गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको वापिस दे रही है। सो गवर्नमेंट जब वापिस दे रही है तो मैं उसको क्या करूंगा कि जो इनपुट पे टैक्स दिया था मैंने, जो मेरा इनपुट टैक्स था उसका मैंने क्रेडिट ले लिया, उसको मैंने क्या कर लिया वापिस ले लिया। सो ये मेरा एक तरह से जैसे क्रेडिट करने पे इनकम बोल देते हैं, इस तरह से कुछ भी कह सकते हो आप। सो मैंने उसको क्या करा क्रेडिट, तो इसको मैं क्या कहता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जीएसटी क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस किसको कहते हैं, मतलब इसी को मैं क्रेडिट कहता हूँ। जीएसटी का क्रेडिट ले लेना, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब हुआ कि जब मुझे गवर्नमेंट को देने कम है और गवर्नमेंट से लेने ज्यादा है। मतलब जैसे टैक्स जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट करा वो कलेक्ट करा मैंने 1000 रुपीज, और पीछे मैं जब सामान खरीदा था तब मैंने पे कर दिया था वहां पे टैक्स 10000 रुपीज। अरे भाई अभी गवर्नमेंट को 1000 देने हैं और गवर्नमेंट से 10000 लेने हैं, तो एक्चुअल में आज की डेट में पेंडिंग कितना है 9000 रुपीज। बात क्लियर हुई, दूंगा तो 1000 और लूंगा 10000, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट मुझे 9000 रुपये और देगी ना अपनी तरफ से, मेरे पिछले वापिस करेगी। सो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है कि आपको इजिली वापिस कर देती है, रिफंड का एक स्टेटस होता है बट वो मुश्किल वाला वर्क रहता है। सो एक्चुअल में क्या होता है कि ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, जितने भी आप टैक्स पे करते हो मंथली बेसिस पे करते हो, रिटर्न फाइल करते हो मंथली बेसिस पे। सो ये टैक्स ना आपका हर मंथ होता है। सो अभी क्या हुआ कि मेरे पास पिछले महीने का बैलेंस था, जैसे इस महीने का बैलेंस बच गया 9000 रुपए। मैंने कहा गवर्नमेंट भाई, गवर्नमेंट जी आपके साथ ऐसा है 9000 रुपए ना मुझे आज भी आपसे लेने हैं। गवर्नमेंट ने कहा कोई नहीं, मैं भी यही हूँ आप भी यही हो, कहीं नहीं जा रहे, अगले महीने एडजस्ट कर लेना। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट मंथ जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा उसमें से मैं इस 9000 रुपए को एडजस्ट कर लूंगा। सो लाइक नेक्स्ट मंथ मुझे गवर्नमेंट को 5000 पे करने थे, गवर्नमेंट मुझसे मांगने लगी, गवर्नमेंट ने कहा लाओ 5000 रुपए। मैंने कहा पिछले 9000 रुपए कौन देगा मेरे। सो गवर्नमेंट ने, अरे हाँ वो 9000 रुपए भी तो देने थे। सो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा एक काम करो, 5000 देने थे ना, 9000 मुझसे लेने थे, सो अभी उनको एडजस्ट कर दो। मैंने कहा हाँ एडजस्ट हो गए, अब भी याद रखना आज से 4000 रुपए लूंगा। गवर्नमेंट ने कहा हाँ ठीक है, सो ये 4000 रुपए मैं नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर लूंगा उससे भी। सो इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। सो ये भी हमने देखा था जीएसटी कंप्यूटेशन का, कि जब मेरा जीएसटी पेबल होता है तो मैं उसको जीएसटी पेबल बोलता हूँ, और जब ये रिवर्स में हो जाता है आउटपुट कम हो गया इनपुट ज्यादा हो गया, सो मैं उसको क्या बोलता हूँ जीएसटी क्रेडिट बैलेंस। सो एक तरह से मैं कह सकता हूँ जब मेरा इनपुट माइनस आउटपुट है, इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, सो मैं उसको इनपुट क्रेडिट बोलता हूँ। क्लियर यहां तक? अच्छा पता है एक चीज, ये जो जीएसटी का आप पढ़ रहे हो ना, इसको ना सिर्फ इस तरह से मत लेके चलना कि ठीक है बस हमें कोर्स कंप्लीट करना है, सर्टिफिकेट लेना है, ओके। क्योंकि इस चीज को समझिए कि हमें ना एक बहुत टाइम से चली चीज आ रही है और हमें समझाया जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है इंडिया में कि डिग्री की वैल्यू है। नहीं, डिग्री की वैल्यू है, मतलब एक सर्टिफिकेट की वैल्यू डेफिनेटली है। सर्टिफिकेट आपको ना एक बहुत हेल्प करता है बूस्ट करने में आपके इंटरव्यू में, आपने इंटरव्यू में अपने CV में ऐड करने के लिए आपको हेल्पफुल रहता है, बट अल्टीमेटली जो आपको हेल्प करने वाली है वो आपकी नॉलेज है। सो जब मैं कोई चीज आपको बता रहा हूँ तो उसको समझो, उसको सोचो कि क्या चीज है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको पढ़ा 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 बस फटाफट कोर्स कंप्लीट करा बाद में टेस्ट दिया सर्टिफिकेट ले लिया। इंटरव्यू देने जाओगे, जॉब पे किसी कोई पर्सन आपको रखेगा, सो वो खुश हो जाएगा ये देख के कि आपके पास सर्टिफिकेट है, मीन्स आपने पढ़ा है, बट अगर उसको आप रिप्लाई ही नहीं कर पाए सो वो सर्टिफिकेट यूजलेस हो जाएगा ना। इनफैक्ट मेरी भी वैल्यू डाउन हो जाएगी कि हाँ फिफ्थ सर ने पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ाते होंगे क्लास में, उसको क्या पता है अभी इंटरव्यू लेने वाले पर्सन को। सो ऐसा मत करना, अच्छे से उसका ख्याल रखना चीजों को, ठीक है। इसके अलावा ना मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप चीजों को पढ़ सकते हो, कैसे डिस्कशन ले सकते हो, प्रैक्टिकल केस फीस कैसे ले सकते हो, तो वो चीजें हम देखेंगे, ठीक। जैसे मैं एक नाम बता देता हूँ, CA क्लब इंडिया, ये वेबसाइट है। सो वहां पे आप जाके ना रजिस्टर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और वहां पे ना जीएसटी में लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो क्वेश्चंस देखो, उनके आंसर्स देखो क्या लोगों ने आंसर दिए। वहां पे क्या होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है जीएसटी से या इनकम टैक्स से या किसी भी तरीके की, वो क्वेश्चन पूछता है, सामने से कोई उसको रिप्लाई करता है। कोरा पे भी आप इस तरह से कर सकते हो, बट कोरा मतलब QURA, ठीक है। सो उस पे भी आप कर सकते हो, वहां पे थोड़ा लिमिटेड मिलेगा,
सीए क्लब इंडिया वो एक्चुअल में सीए से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको कंटेंट ज्यादा मिल जाता है। सो पहले रीड करो कि देखो क्या रिप्लाईज आ रहे हैं, उसके बाद जब आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो तो उस पर आप रिप्लाईज खुद भी कर सकते हो। जब भी रिप्लाई करो तो जरूर लिख देना कि आई एम ए स्टूडेंट, पता चला आपने कोई सजेशन दे दिया, सजेशन गलत दे दिया और सामने वाले ने उसको फॉलो कर लिया, बेचारे का नुकसान हो जाएगा, क्या फायदा। सो कह देना या फिर उसमें लिख दो कि आप एक बार कंफर्म कर लो, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, रिप्लाई करना वहां पे शुरू करो। सेकंड केस देखते हैं, सेल आपने करी 60,000 की, परचेज करी आपने 70,000 की, टैक्स रेट 99% है। अरे इसका आंसर रह गया लिखने से यहाँ पे, कोई नहीं अपने आप सॉल्व कर लो। अभी क्या होगा, ये जो मेरा आउटपुट है अभी इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा ना 60,000 पे, वो कम आएगा, 70,000 पे ज्यादा आएगा। सो गवर्नमेंट को पे कम करना है, गवर्नमेंट से लेना ज्यादा है, मेरे पास क्या बच जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाएगा। सो एक बार मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, 60, हाँ कैलकुलेटर चेक करो, 60,000 का 0.09 5400 आया, ठीक है 5400, और दूसरा भी मेरा कौन सा कितना आएगा 5400, डन। अभी इसके बाद मैं बात करता हूँ नीचे जो परचेज करा है उसमें कितना आएगा, परचेज में देखते हैं, लाइक 6300,